जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आज आपको एक नया प्रसंग सुनाता हूँ रामायण का। राम का राज्याभिषेक सभी जानते हैं कि वो वनवास काटने के बाद आए तो उनको वापस राज्याभिषेक हुआ था, तो वहाँ राज्याभिषेक हुआ। तो राज्याभिषेक के समय सभी ऋषि मुनि सब वहाँ उपस्थित थे सब। तो राम जी चिंतित थे, हनुमान जी ने देखा कि भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है फिर भी भगवान चिंतित है, तो उन्होंने पूछा, भगवान क्या कारण है, सब उपस्थित हैं, आपका राज्याभिषेक हो रहा है, आपको खुश होना चाहिए। श्री राम बोले कि हे हनुमान जी, केवट नहीं आया अभी तक, मेरा परम भक्त उसकी ही राह देख रहा हूँ, सब आ गए वो ही अनुपस्थित है, इसलिए थोड़ा चिंतित हूँ। राम जी गए, केवट को ले आए, हनुमान जी देखा सब और नज़र दौड़ाई तो भरत जी वहाँ अनुपस्थित थे। अब भरत जी को नहीं देखकर हनुमान जी चिंतित होकर बोले कि भगवान आपने केवट का ध्यान रखा, आपने भरत जी का ध्यान ही नहीं रखा, वो कहाँ है, वो तो अनुपस्थित हैं, वो तो नज़र ही नहीं आ रहे, बल्कि उनकी प्रबल इच्छा थी देखने की। तो उन्होंने कहा कि वो पीछे हैं मेरे और मेरे हवा कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, वो आगे नहीं आ सकते। तो हनुमान जी ने जाके देखा पीछे, तो भरत जी रो रहे थे, आंसू आ रहे थे। बोला कि यार राम का राज्याभिषेक हो रहा है, आप रो रहे हो? वो कैसा बड़ भागा हूँ मैं कि राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है और मैं देख नहीं सकता, सब देख रहे हैं और मैं ही नहीं देख पाऊँगा, सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो मैं ही हूँ। तो हनुमान जी वापिस आ गए, भगवान मैं कर लेता हूँ आपकी सेवा, पीछे भरत जी को आगे आने दो। बोले कि हे हनुमान जी महाराज, अगर भरत जी आगे आ गए तो पिता के वचनानुसार मेरा राज्याभिषेक नहीं हो सकता, उनके अनुपस्थिति में ही मेरा राज्याभिषेक हो सकता है, इसलिए वो आगे नहीं आ सकते। तब हनुमान जी की समझ में आया। तो दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी, ये कथा सुनकर अच्छा लगा हो, जानकारी प्राप्त हुई हो, ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।